नर्सरी में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, हम आ चुके हैं उज्जैन, तो हम भी आ गए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, और हम करेंगे तो आप भी करेंगे। चलिए फिर घूमते हैं उज्जैन और देखिए महाकाल के दर्शन, अगर कैमरा अलाउड होगा तो हम आपको भी दिखाएंगे। बाकी हम तो दर्शन करने ही आए हैं तो करेंगे, और आपको लोकल मार्केट दिखाते हैं, देखते हैं रश कितना है। सावन का महीना है तो रश तो होना ही है। बाकी जय भोले की। तो हमने जो होटल लिया है, होटल मिलंद है, राम गली में है, तो ये रूम है तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमारे साथ क्या है, ये छोटू सा बेबी भी है ना, तो इसको भी रेडी करना है, इसको भी लेके चलना है, तो चलते हैं फिर इनको उठाते हैं, देखते हैं कितना ड्रामे करती हैं, फिर उसके बाद में निकलते हैं। उज्जैन की गलियों में आ ही गया और महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बस 200 मीटर की दूरी पे ही है महादेव के प्रांगण में, तो हम पहुंच गए हैं। कैमरा तो अलाउ नहीं है बता रहे हैं, जमा करना पड़ेगा, तो दर्शन हम करके आते हैं फिर आपको बताते हैं और फिर मिलते हैं। तो महादेव के द्वार पे हम आ गए हैं और करते हैं एंट्री। बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं। बहुत अच्छे से हुए सावन के महीने में, इतने अच्छे दर्शन सोचा नहीं था, इतने आराम से होंगे, बहुत अच्छा लगा। तो हमारी कृष्णिका ने भी महाकाल जी के दर्शन कर लिए, तो आपको कैसा लग रहा है? इतने अच्छे दर्शन हुए, पहली बार मुझे मतलब अच्छा लगा कि किसी मंदिर में भागो भागो, और वो भी सावन के महीने में, मतलब महाकाल के दर्शन करना और बिना भीड़ के, मतलब पता है। और सबसे पहले हम लोग को एक लाइन में मिल रहा था, और वो लाइन मतलब छोड़ के महाकाल ने पहली वाली लाइन में दर्शन करने को मिल गया, वो सबसे अच्छी बात। और पंडित जी ने अपने आप चंदन दे दिया, प्रसाद दे दिया, वो बहुत अच्छा लगा। तो उज्जैन आके महाकाल जी के दर्शन करके सच में बहुत बढ़िया लगा, और एक तो इतने अच्छे दर्शन हुए ना, उसकी वजह से और सुकून मिला, और महादेव की महिमा तो अपरंपार है। जैसा इन्होंने बताया कि पहली वाली लाइन में हम पहुँच गए थे, ऑटोमेटिक हम भी बिल्कुल सामने से दर्शन मिले हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रश मतलब भर का है, भीड़ भाड़, बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से मुझे लगा था टाइम बहुत लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं रहा, कहीं पे भी लाइन रुकी नहीं, ये सबसे अच्छी बात थी। तो नहीं थी, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसको अच्छा लग रहा है, देखो। तो दर्शन करने के बाद अब उज्जैन की लोकल मार्केट घूमते हैं, देखते हैं मंदिर के आसपास क्या क्या मिलता है। और शाम भी हो गई है, लाइट्स जल गई हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मार्केट। चलो जी, आपको भी दिखाते हैं कैसी है यहाँ की मंदिर के पास की मार्केट। आज देखिए भीड़ की है, कम है, बता रहे हैं सोमवार को तो कम से कम 10 से 12 लाख लोग आए थे यहाँ पे, और ये रास्ता पूरा जाम था। ज़्यादा खाने की भी इच्छा नहीं है, तो डोसा ऑर्डर करा है, मसाला डोसा, देखते हैं कैसा आता है। तो हमारा गर्मा गर्म डोसा तो आ गया है, इसको करते हैं ख़त्म और चलते हैं बैक टू होटल, और ये ब्लॉग भी करते हैं।